अब मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है? 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स। तो इस बाहर वाले अंडर रूट एक्स को हम लोग अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस, यहाँ पे जब पावर नहीं होती तो होता है 1, और x की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 1/2 होगा। 1 प्लस 1/2 क्या आएगा? x की पावर 1 प्लस 1/2। ये क्या आएगा? x की पावर 3/2 डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये क्या आ जाएगा हमारा? x की पावर 2 वन ज़ा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, और ये भी 3 अपॉन 2 माइनस x की पावर 2 वन ज़ा 2 प्लस 3 यानी 5 अपॉन 2, ये भी 5 अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3 अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 x की पावर 5 अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आ गया आंसर।